दिल्ली के कालकाजी मंदिर में अब माता के दर्शन मर्यादित वेशभूषा में ही हो पाएंगे। कालकाजी मंदिर समिति की ओर से ये फैसला लिया गया है। मंदिर समिति के मुताबिक अगर कोई फटी जींस, मिनी स्कर्ट, बरमुडा नाइट ड्रेस पहनकर मंदिर में आता है तो उसे माता के दर्शनों से रोका जा सकता है। समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक अगर श्रद्धालु अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में आएंगे तो वो माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर के प्रशासक के मुताबिक केवल भारतीय परिधान में आने वाले श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। तो देखिए, वैसे भी अगर आप धार्मिक स्थलों को देखेंगे तो वहां पर मर्यादित कपड़ों में ही जाना भी चाहिए। तो ये एक फैसला लिया गया है। आपके पास मॉडर्न ड्रेसेस पहनने के हजार मौके हो सकते हैं, होते हैं। कम से कम जब आप भगवान के दर पे जाएं तो मर्यादित कपड़ों में जाएं। यही कोशिश की गई है मंदिर प्रशासन की तरफ से। मंदिर समिति ने ये ड्रेस कोड जारी किया है। मंदिर समितियों ने जो ये निर्णय किया है कि धार्मिक स्थलों पर जब आप आए तो शालीन परिधान धारण करके आए, इससे एक अच्छा वातावरण बनेगा और सभी भक्तों के मन पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती रोका जाएगा, लेकिन हम उनसे उनको प्रेरित करेंगे कि वो स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मंदिर में मर्यादित और शालीन परिधान पहनकर आए। हमारे आदरणीय पुजारी जो हैं उन्होंने इस चीज़ का वो किया है, आदरणीय मिड्डा साहब के साथ मिलकर उनका भी बिल्कुल यही आदेश है कि भी जो भी आए मर्यादित ड्रेस के बीच में आए, भारतीय संस्कृति के मुताबिक जो भी ड्रेस कोड है मंदिर में आने के लिए दर्शन करने के लिए वही अपना वस्त्र धारण करके श्रद्धालु आए। और हरि किशोर शाह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरि किशोर, यकीनन जब इस तरह का फैसला लिया गया है तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसके वजह से मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा होगा। बताइएगा कि किस तरह के नियम अब बनाए गए हैं माता के दर्शन के लिए। जी, हम आपको बता दें कि कालकाजी मंदिर में, जहां पर अगर बताया जाता है कि दिल्ली का सबसे अगर प्रसिद्ध मंदिर उसमें कालकाजी मंदिर आता है, और वहां पर जो है कि लोगों के द्वारा जो है कि अमर्यादित तरीके से वहां लोग पहुंचते थे, जैसे तैसे कपड़ों में फटे पुराने जो भी जींस पहन करके पहुंचते थे, कुछ लोग नाइट ड्रेस में भी पहुंच जाते थे, जिसको लेकर के अब मंदिर प्रशासक जो है सख्त कदम उठाया है। और उन्होंने जो मंदिर के जो समिति बैठती है उन्होंने एक फैसला किया है कि अब जो भी मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे वो मर्यादित ड्रेस में होंगे, तभी उन्हें एंट्री दी जाएगी और माता के दर्शन भी कर पाएंगे। वहीं पर प्रशासक ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से अगर मंदिर परिसर में अगर कोई व्यक्ति घुसता है, कोई श्रद्धालु आता है, तो वह कहीं ना कहीं भारतीय पारंपरिक जो परिधान है, जो ड्रेस है, उसमें पहुंचे और माता के दर्शन करे। ठीक है, क्या हालांकि पुरुष भी जो हैं कई बार हम देखते हैं कि शॉर्ट निक्कर में पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए भी है कोई नियम? जी हाँ, जो भी है जिस तरह का बरमूडा पहन करके या फिर कटे फटे जीन्स हो या फिर जो टॉप्स वगैरह जो पहन करके महिलाएं आती थी या फिर जो भी मतलब कि शॉर्ट ड्रेसेस थे, उन सभी को हटा दिया गया है और बोला गया है कि जो भी हो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो ड्रेसेस होते हैं आप वही पहन करके आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें और माता के दर्शन करें। तो ये हम ये मान के चले कि नियम आज से ही लागू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, नियम आज से ही लागू कर दिया गया है, जिस पर महंत के जो मंदिर के महंत है अवधूत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी ने भी बताया है कि जो आज से ही नियम जो है कि लागू हो गई है और सभी जगह पे बोर्ड लगा दिया गया है, और ताकि जो है कि श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं उन्हें वो बोर्ड पढ़ सके और बोर्ड पढ़ करके फिर अगली बार से जब वे आए तो फिर उसी लिबास में आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और ये कदम देखा जाए तो अगर आप सोचिए तो शायद बेहतर ही माना जा सकता है कि जब आप भगवान के दर पर जाएं तो मर्यादित कपड़ों में जाएं, और आपके पास मॉडर्न कपड़े पहनने के हजार मौके हैं।